नमस्कार, डीएनएक्स स्पेशल नगर सेवक पर फिर से आपका स्वागत है। आज हम जुड़ रहे हैं कॉमरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड के दबंग सक्रिय सर्व सुलभ जनप्रतिनिधि गोवर्धन शर्मा जी से। आइए जानते हैं उनका जीवन सफर, जनसेवा का उद्देश्य और कार्यकाल पर खास बातचीत उन्हीं की जुबानी। सर, स्वागत है आपका डीएनएक्स टीवी पे। सर, अपने 4.5 साल के कार्यकाल में मुख्य क्या क्या उपलब्धियाँ रही है उसके बारे में विवरण से बताइए। कॉमरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड में, जो कि यह वार्ड 2004 में अस्तित्व में आया, उसके बाद से यहाँ पे यह वार्ड 3 वार्डों को जोड़ के बनाया गया था उस समय। और उस समय भी जब पहला कार्यकाल था उस समय भी लगभग हमने 10 करोड़ रुपए के काम किए थे इस वार्ड में। और अभी वर्तमान में भी 2004 के बाद जब से यह परिषद आई है, लगभग प्रमोद दुबे जी के नेतृत्व में, हमारे महापौर जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने यहाँ पे भी लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए के काम इस कार्यकाल में भी हमने पूर्ण किए हैं। और वर्तमान में कुछ काम जो हैं चल भी रहे हैं इस वार्ड में। और सबसे महत्वाकांक्षी योजना जो हमारी थी इस वार्ड के लिए, और वह यह थी कि तीनों तालाबों का सौंदर्यीकरण, जो कि इस कार्यकाल में संभव हो पाया है। लगभग 15 साल से यह हमारी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर हम लोगों ने कार्य किया, लेकिन यह इसका जो फलीभूत है यह इस कार्यकाल में पूर्ण हुआ है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में तीनों तालाबों का सौंदर्यीकरण चल रहा है, जो कि लगभग 6 करोड़ रुपए की योजना है इसकी। तो इससे भी इस वार्ड में काफ़ी जो मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोग जो इस वार्ड में निवास कर रहते हैं, जो कि सुख दुख के कार्य इसी तीनों तालाबों में करते हैं, तो यह उनके लिए एक बहुत अच्छी योजना के तहत यहाँ पर कार्य हो रहा है। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले परिसीमन जो हुआ, उससे आपके वार्ड में क्या प्रभाव पड़ा है? यह वार्ड परिसीमन में पूरी तरह विलोपित हो गया, जो कि इसका जो नाम था कॉमरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड, जो कि पूरा ख़त्म हो गया है। कॉमरेड सुधीर मुखर्जी वार्ड को डूंडा सेजबहार रोड में समाहित कर दिया गया है। और यह वार्ड 3 वार्डों में विभाजित होकर इस वार्ड का अस्तित्व ही ख़त्म कर दिया गया है, जो कि सुंदरनगर नगर वार्ड में, लाखेनगर वार्ड में और महंत लक्ष्मी नारायण दास वार्ड में इसको जोड़ दिया गया है। तो स्वाभाविक है आने वाले समय में यहाँ के लोगों की, यहाँ के निवासियों की, यहाँ के गरीब और मध्यम वर्गीय जनता की आने वाले समय में बहुत तकलीफ होने वाली है। इस परिसीमन का मैं, गोवर्धन शर्मा, पूर्ण रूपेण विरोध करता हूँ। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 जुलाई को बजट पेश की थी, उससे आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार ने अच्छा बजट पेश किया या नहीं? देखिए, बजट एक निगम का होता है, एक राज्य का होता है और एक देश का होता है। इस तीनों बजटों में आप देखे होंगे कि जब केंद्र का जब यह बजट हुआ, तो उसमें ना महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई सब्सिडी दी गई, ना युवाओं के रोजगार की बात की गई, ना नए अवसर, रोजगार के अवसर, युवाओं के बढ़ने के अवसर, इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। जितनी भी बातें केंद्र सरकार ने की है वो आप देख लीजिए, केवल और केवल बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़े लोग हैं, ये उनके लिए किया गया है। और अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता, जो कि लगभग 87% गांव में निवास करती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है केरोसिन की, इन्होंने केरोसिन की जो मात्रा है, जो आपका जो कोटा है, वो पूरी तरह का से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। तो यह मैं नहीं सोचता, जो कि आप देख रहे होंगे उज्ज्वला योजना के तहत जो इन लोगों ने गैस बांटने का कार्य किया था, पूरा फ्लॉप हो गया है। आज ना उन गरीबों के पास में केवल सिलेंडर दे दिया गया है, लेकिन उनकी सब्सिडी नहीं आ रही है, गैस रिफिलिंग नहीं हो रही है। वह केवल एक, जैसे कि शौचालय निर्माण में जो धांधलियाँ हुई थी, शौचालय तो बना दिया गया लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं की गई थी, वैसे ही सिलेंडर तो दे दिया गया लेकिन उसकी सब्सिडी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो और केरोसिन का इन्होंने कोटा भी ख़त्म कर दिया है। तो ये कैसा बजट है, समझ से परे है, और किन के लिए है यह भी समझ से परे है। राज्य में सरकार बदली है, पहले बीजेपी सरकार थी, अभी कांग्रेस सरकार है, सरकार के बदलते नीतियाँ भी बदली हैं, तो नीतियों के बदलने के बाद वार्ड विकास में आपको फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ है? नहीं, हमें फ़ायदा ही हुआ है। जो एक हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और जब कांग्रेस के वार्डों में जब बातें विकास कार्यों की आती थी, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ अपॉर्चुनिटी की जाती थी। लेकिन अभी वर्तमान में जो पैसा हम लोग को मिला, पूरे वार्डों में 70 वार्डों में एक समान पैसा मिला है। आने वाले समय में अभी हम लोगों ने मंत्री जी से भी मुलाकात की, माननीय शिव कुमार डहरिया जी से, उन्होंने भी कहा है कि आपके कार्यकाल में और आने वाले कार्यकाल में भी विकास कार्यों के लिए किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं की जाएगा और पूर्ण रूपेण पूरा पैसा सभी वार्डों को मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, चाहे निर्दलीय हो।
आपके इन 4.5 साल कार्यकाल में ऐसा कुछ कार्य अधूरा रह गया जिसको आप करने के लिए जनता से एक और एक मौका मांगेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और रही बात मौका मांगने की, तो यह वार्ड ही विलोपित कर दिया गया है, तो अब मैं किसके पास मौका मांगूं। लेकिन मुझे आत्मसंतोष है कि जिस उद्देश्य के लिए यहाँ के पब्लिक ने मुझे मौका दिया, मैं अपने आप को पूर्ण महसूस करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे मौका दिया और मैं उस काम में कितना सफल हुआ हूँ, यह जनता बताएगी। सर, आप अपने राजनीतिक करियर पे छोटा सा प्रकाश डालिए, आपने शुरुआत कहाँ से की थी, कहाँ तक आए हैं, तो कहाँ तक जाना चाहते हैं आगे? यह राजनीतिक शुरुआत जो रही सामाजिक कार्यों से रही। घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन मेरे मामा जी स्वर्गीय गंगाराम शर्मा जी, जो कि पार्षद भी रहे हैं और पूर्व उप महापौर भी रहे इस रायपुर नगर निगम में, RDA के अध्यक्ष रहे हैं, और यह सब देखते हुए मेरे मार्गदर्शक वही रहे हैं, कांग्रेस में लाने वाले मुझे वही रहे हैं। तो उसी समय से कांग्रेस की राजनीति में आने के बाद से ही मैं सामाजिक रूप से जुड़ा रहा। आज वर्तमान में दूसरी बार इस वार्ड में सेवा कर रहा हूँ पार्षद के रूप में, और शाकदीपी ब्राह्मण समाज जो कि अम्बा देवी मंदिर ट्रस्ट है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ, पूर्णकालिक अध्यक्ष हूँ। और इसी प्रकार से समाज सेवा से जुड़ के राजनीतिक सेवा में भी मैं कार्य कर रहा हूँ। धन्यवाद।